कोषागार दुधी को स्थानांतरण से क्षुब्ध अधिवक्ताओं ने रांची रीवा मार्ग को सांकेतिक जानकर जताया विरोध। दुधी कोषागार को यथावत रखने की मांग को लेकर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। अगर नहीं सुनी गई जायज मांग तो सड़क पर उतरेंगे समस्त नगरवासी, करेंगे चक्का जाम। दुधी जिला प्रशासन की झुलमुल नीति के खिलाफ आज अधिवक्ताओं व समाज के विभिन्न वर्गों के मुखियाओं का गुस्सा फूट पड़ा। उप कोषागार दुधी के स्थानांतरण के विरोध में सभी लोगों ने मिलकर आज गुरुवार की दोपहर 1:15 तहसील तिराहे पर एकत्रित होकर रांची रीवा मार्ग जाम कर दिया और जिला प्रशासन व सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मामला यह है कि आज़ादी के समय काल से या यूँ कहें कि इसके पूर्व से दुधी तहसील जो स्टेट हुआ करती है, आज भी स्टेट है और वहाँ जो उप कोषागार दुधी में प्रतिस्थापित किया गया है, जनहित को देखते हुए उत्तर प्रदेश का सबसे सर्वाधिक राजस्व देने वाला तहसील है, वहाँ जो उप कोषागार है या वहाँ 5 करोड़ रुपया से कम स्टाम्प के आय बिक्री होने का ये आरोप लगा करके और ये वरिष्ठ कोषाधिकारी एसटीओ सीनियर ट्रेजरी अफसर ने गलत रिपोर्टिंग कर करके शासन को रिपोर्ट कर दिया है। जबकि आप पता कर लीजिए कि यहाँ जो उपनिबंधक कार्यालय रजिस्ट्री कार्यालय है केवल वहाँ 16 करोड़ का की बिक्री साल भर में हुई है, तो स्टाम्प की खपत हुई है वहाँ निबंधन स्टाम्प का। इस प्रकार इतना सफ़ेद झूठ यहाँ के लोगों के साथ अन्याय करने के लिए ये जो कोषागार है जहाँ हम ट्रेजरी चालान जमा करते हैं, तहसील है यहाँ, नामांकन होता है, नामांकन शुल्क जमा कर किया जाता है, यहाँ न्यायालय है, कई राजस्व कई दीवानी और कई राजस्व दीवानी फौजदारी न्यायालय भी यहाँ मौजूद हैं। ऐसे क्या इसको लेके धरने पे उतरेंगे आप जी? इस मामले को लेते हुए धरने पे रहेंगे आप? वहाँ तक लड़ूंगा, वहाँ तक इसको रोकने के लिए लड़ूंगा जब तक सांस रहेगी हमारी। और इसके लिए मैं बहुत बढ़िया इसके लिए बता दूं, आज मेरे साथ सभी राजनीतिक दलों के, चाहे वो सपा हो, भाजपा हो, बसपा हो, व्यापारी हो, वो डॉक्टर एसोसिएशन हो या और दुधी के अनुसांगिक जितने संगठन हैं, सबके प्रतिनिधि आज मौजूद हैं इस संकल्प के साथ कि शासन यदि उप कोषागार दुधी को यथावत दुधी में नहीं रहती है तो हम अंतिम दम तक लड़ाई लड़ेंगे। सब ट्रेजरी दुधी को सरकार के आदेश के क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा बंद कर दिया गया है, जिससे आक्रोशित होकर हमारे अधिवक्तागण और ये दुधी के निवासी लोग आज सांकेतिक जो है विरोध प्रदर्शन किए हैं। इस क्रम में आपके द्वारा ज्ञापन दिया गया है, उस ज्ञापन में हमने सबस्टार से आख्या मंगा लिया है और वो आख्या जिलाधिकारी महोदय को सूचना भेजी जाती है, यहाँ सब ट्रेजरी को बंद न किया गया। सर, जो आरोप लग रहा है स्टैम्प पेपर को लेते हुए, इस पर क्या कार्रवाई होगी? स्टैम्प को लेकर ऐसे कोई आरोप की बात नहीं है, बड़े अमाउंट के स्टाम्प यहाँ नहीं उपलब्ध कराए जाते थे, ये पहले की चीज़ें हैं और उस पर भी जिलाधिकारी महोदय को सूचना।